नमो नमः बच्चों, आज मैं आपको लेसन 11 पढ़ाऊंगी। और लेसन रीडिंग करने से पहले मैं आपको एक चार्ट भी समझाऊंगी जो 63 पेज पर दिया है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर पुरुष कॉलम में दिया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और ऊपर दिया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहले हम देखेंगे सह तव ते। यहाँ पर सह का मतलब है वह, एक पुरलिंग शब्द के लिए। तव का मतलब है दो पुरलिंग शब्दों के लिए, और ते बहुत सारे पुरलिंग शब्दों के लिए। अब ये सभी कर्ता हैं, तो यहाँ क्रिया भी लगेगी। तो चलिए देखते हैं, पहले पुरलिंग शब्द यहाँ पर सह है, तो इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा पठति। इसी प्रकार से तौ के साथ पठतः और ते के साथ पठन्ति। ऐसे ही सा के साथ जो एक स्त्रीलिंग शब्द है पठति, ते दो स्त्रीलिंग शब्द पठतः, और ताह बहुत सारे स्त्रीलिंग शब्द पठन्ति लगेगा। ऐसे ही तत् एक नपुंसक लिंग के लिए, जहां पर इसकी क्रिया लगेगी अस्ति, अस्ति का मतलब है, और ते दो नपुंसक लिंग के लिए, इसके साथ क्रिया लगेगी स्तः, और तानि बहुत सारे नपुंसक लिंग जहां पर क्रिया लगेगी संति। तो ये सारी चीजें आप को समझ में आ गई होंगी और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं त्वम की ओर, मतलब तुम। यहाँ स्त्रीलिंग पुरलिंग नहीं है, इसका उपयोग दोनों में होता है। तुम, इसके साथ क्रिया लगेगी पठसी, फिर युवाम तुम दोनों, चाहे लड़का हो या लड़की, यहाँ क्रिया लगेगी पठथः, फिर यूयम मतलब तुम सब, यहाँ पर क्रिया लगेगी पठत। अब अहम मतलब मैं, ये भी दोनों के लिए प्रयोग होता है, यहाँ क्रिया लगेगी पठामि, फिर आवाम हम दोनों, यहाँ पर क्रिया लगेगी पठावः, फिर यहाँ पर आता है वयम मतलब हम सब, इसके साथ क्रिया लगेगी पठामः। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ। आज मैं आपको 11वां लेसन पढ़ाऊंगी, अहम नारंगम, और इसमें अहम और त्वम का प्रयोग बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार अहम और त्वम का प्रयोग हुआ है। अहम अस्मि नारंगम, मैं संतरा हूँ। नारंगम मतलब संतरा, अहम मतलब मैं। अम्लः अस्ति मम स्वादः, मेरा स्वाद खट्टा है। अम्लः मतलब खट्टा। अहम् पीतः अस्मि, संतरा किस कलर का होता है? पीले कलर का, पीतः पीला कलर, मैं पीला हूँ, पीले रंग का हूँ। त्वं कः, तुम कौन हो, तुम कौन? अहम् कुष्माण्डः, मैं कद्दू हूँ, कुष्माण्डः मतलब कद्दू। अहम् पीतः अस्मि, मैं पीला हूँ, पीले रंग का हूँ। बृहदः मम आकारः, मेरा आकार बड़ा है। त्वं कः, तुम कौन हो? अहम् नारिकेलः, मैं नारियल हूँ, नारिकेलः मतलब नारियल। धूसरः मम वर्णः, मेरा रंग धूल के रंग का है मतलब खाकी रंग का है। अहम् जानामि त्वम् अलाबुः असि, मैं जानता हूँ त्वम् मतलब तुम, अलाबुः मतलब लौकी हो। आम् अहम् अलाबुः अस्मि, मैं लौकी हूँ। अहम् सुस्वादुः अस्मि, मैं स्वादिष्ट हूँ। अहम् स्वास्थ्यकरः, मैं स्वास्थ्यकर भी हूँ मतलब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हूँ। त्वं कः, तुम कौन? अहम् आम्रम, मैं आम हूँ,
आम्रम मतलब आम, मधुरम पीतम आम्रम, मैं मीठा पीला आम हूँ, त्वम तू प्लाडुः असि, तुम तो प्याज हो, आम अहम प्लाडुः, मैं प्याज हूँ, मम वर्णः रक्तः, मेरा रंग लाल रंग का है, रक्त मतलब खून, खून किस कलर का होता है, लाल रंग का, तो मम वर्णः रक्तः, मेरा रंग लाल है, अहम पौष्टिक पौष्टिक करः, मैं स्वादिष्ट हूँ, त्वम कः असि, तुम कौन हो, अहम कदली फलम, मैं केला हूँ, कदली फलम मतलब केला, अहम सुस्वादुम, मैं स्वादिष्ट हूँ, त्वम कः असि, तुम कौन हो, अहम अस्मि मरीचः, मैं मिर्च हूँ, मरीचः मतलब मिर्च, रक्तः मम वर्णः हरितः च अपि, मेरा रंग लाल और हरा भी है, अहम तिक्तः अस्मि, मैं तीखी हूँ। तो देखा बच्चों, अहम और त्वम का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। अब चलिए गृह कार्य देखिए। 62 पेज पर सबसे पहले शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। 63 पेज से निम्नलिखित का उच्चारण कीजिए, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसे आपको लर्न भी करना है। निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी आप कॉपी में करेंगे। फिर चलते हैं 64 पेज पर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ये मैचिंग है, इसे फेस टू फेस कॉपी में लिखिएगा। फिर है कौन कहता है लिखिए, ये भी कॉपी में करना है। संज्ञा के अनुसार सर्वनामों के लिंग लिखिए, ये भी कॉपी में करना है। फिर आते हैं 65 पेज पर, चित्रों को देखकर नाम लिखिए, ये आपको बुक में ही करना है। धन्यवाद।